नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट फाइल्स पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो फिर से हाईलाइट हो चुका है और दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है, मंकी पॉक्स वायरस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, इसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन टिप्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक रेयर जूओटॉनिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस सबसे पहले 1958 में मंकीज में देखा गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। लेकिन ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल या पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसका आउटब्रेक अब फिर से देखा जा रहा है। वैसे तो स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में मंकी पॉक्स कम सीवियर होता है, लेकिन इसे लाइटली लेना गलत होगा क्योंकि ये वाइड स्प्रेड हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन प्राइमरली इन्फेक्टेड एनिमल जैसे रोडेंट्स या प्राइमेट्स के कॉन्टेक्ट में आने से होता है। ह्यूमंस में ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन लेजन या बॉडी फ्लूइड से। दूसरा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, इसमें कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब प्रोलॉन्ग्ड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो। एंड इसके अलावा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से, जब इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े, बेडिंग या सरफेस से कॉन्टैक्ट हो। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की। ये वायरस यूजुअली 5 to 21 days के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टम्स शो करता है। कॉमन सिम्टम्स में इंक्लूड है फीवर, हेडेक, मसल एक यानी मसल्स और जॉइंट्स में दर्द, फटीग यानी कि थकान, स्वलन लिम्फ नोड्स, रैशेस, इसमें एक खास रैश डेवलप होते हैं जो फेस से शुरू होकर के पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। ये रैश ग्रेजुअली ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये सिम्टम्स 2 to 4 weeks तक परसिस्ट कर सकते हैं और जनरली माइल्ड से मॉडरेट होते हैं, लेकिन सीवियर केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों में। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने आप को इससे बचा सके। मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर कर रही हूँ जिसे आप ध्यान में रख करके सेफ रह सकते हैं। पहला है अवॉइड कॉन्टैक्ट। इन्फेक्टेड लोगों या जानवरों से कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, स्पेशली ऐसे लोगों से जिन्हें स्किन रैशेज हो या लेजन्स हो। दूसरा, मेंटेन हाइजीन, रेगुलरली हाथ धोएं और सैनिटाइजर का यूज करें। नेक्स्ट इज यूज प्रोटेक्टिव गियर। हेल्थ केयर वर्कर्स या इन्फेक्टेड लोगों के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहने वाले लोग मास्क, ग्लव्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने। इसके अलावा वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसके लिए हेल्थ अथॉरिटीज की गाइडेंस जरूर फॉलो करें। एंड लास्ट आता है आइसोलेशन। अगर किसी में मंकी पॉक्स के सिम्टम दिखाई दे तो उन्हें तुरंत आइसोलेट करें और मेडिकल एडवाइस लें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। मंकी पॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं जैसे पेन रिलीवर्स, प्रॉपर हाइड्रेशन एंड भरपूर आराम। कुछ सीरियस केसेस में एंटीवायरल्स प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीवियर केसेस में यूज होता है और डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक सीरियस मैटर है, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस और प्रिवेंटिव मेजर्स से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टे इनफॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। और अगर आपको आपके आसपास में कहीं पे भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।